तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSE All Jobs Online में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम, जो अभी कुछ दिन पहले जो है आपका पेपर हुआ था, जिनका दोबारा पेपर हुआ था, पहले कैंसिल हुआ था, दोबारा पेपर हुआ था कृषि विभाग में ICARI का, तो उसका क्या है आंसर की जारी कर दी गई है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आंसर की आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिलेगी। तो दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे आना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन दबा के रखोगे, तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जैसे मैं ये अपलोड करता हूँ, तो दोस्तों जैसे ही आप अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे और बेल आइकन दबा के रखोगे, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो का कि इसकी वीडियो, इस फलाने की वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दिया करो, जब भी जो है नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल पाएगा। बाकी अगर टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, वहाँ से आप जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको वीडियो मिलती रहती है, ये जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कैसे आप जो है आंसर की चेक करेंगे अपना ICARI का। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आपको पता ही है इसका वेबसाइट का। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे दोस्तों, नीचे आना है, नीचे आने के बाद आंसर की का फोल्डर आपको मिल जाएगा। जैसे आंसर की का फोल्डर मिल जाएगा, आपको लिख रहा है यहाँ ICARI टेक्निकसन TIRE एग्जाम आंसर की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है स्पीक इसी पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, अपना अगला पेज आपका जो है ओपन हो जाएगा। आपकी जो आंसर की जारी करी गई है वो आज ही की तारीख में करी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 13/7/2023 में आपकी जो है आंसर की जारी कर दी गई है। तो जिस बच्चे ने इसका एग्ज़ाम दिया था उसका जो है आप यहाँ पे चेक कर लेना, इसका जो है एग्ज़ाम हुआ था वो अभी हुआ था, 8 और 10 जुलाई को इसका जो है एग्ज़ाम हुआ था, और 13 जुलाई को इसका जो है आंसर की जारी कर दी गई है। क्योंकि इसका पहले होना था, बट क्या हुआ पहले नहीं हो पाया, तो इसका इस वजह से जल्दी एग्जाम हो गया और जल्दी इसके आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर की नीचे डाउनलोड करेंगे, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, यहाँ पर लिख रहा है डाउनलोड री एग्जाम आंसर की, क्लिक एयर, क्लिक एयर पर जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूजर ID एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, कैप्चर ये वाला डालना है, और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी पहला जो ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन डिटेल्स का दिख रहा है दोस्तों, अभी आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन डिटेल्स का है, दूसरा एडमिट कार्ड का है, तीसरा हेल्प डेस्क का है, चौथा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है, तीसरा जो आपका लास्ट है पाँचवा वो आपका जो है आंसर की का है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके नीचे यहाँ पर एक दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 7, 8, 10 जुलाई को जो है आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आपको डाउनलोड करना है तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने जो है आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली आंसर की। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम दिखा दिया गया है, कब आपका एग्ज़ाम था सब कुछ दिखा दिया गया है। अब आपको ये जो है मिलान करना है, मिलान आपको कैसे करना है वो आपको बताने वाला हूँ, समझ लिया जी ये आप अच्छे से। कभी आप बाद में बोले कि सर ने बताया नहीं, तो मैं समझा रहा हूँ आपको बारिश बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, यहाँ पे हरे में जो आ रहा है ना ये वाला, और ये जो आ रहा है, ये दोनों जो है एक होना चाहिए, मतलब यहाँ भी तीसरा है तो यहाँ पे भी तीसरा ही होना चाहिए जब आपका ठीक है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरा कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे तीसरा कर रखा है, तो ये भी गलत है इसका, और इसका यहाँ पे ये पहला कर रखा है, यहाँ पे दूसरा है, तो ये वाला जो है ये आपकी तरफ से है, जो ये वाला है ये उनकी तरफ से है। तो यहाँ पे पहला है और यहाँ पे जो है चौथा है, ये भी गलत है, ये इसका पहला है, ये इसका पहला है, ये वाला सही है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला सही है दूसरे वाला, और यहाँ पे देख सकते हैं और क्या इन्होंने दूसरा, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो इस तरह से जो है आप मिलान कर लेना, मिलान इसमें जो है क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चन दोस्तों आपके काफ़ी है, तो
तो इसमें आप अच्छे से मिलान कर लेना, अपना सारे मिलान कर लेंगे आप। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पहला इसका तीसरा, ये भी गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे आप देख लेना, मैं इसका जैसे पहला एक, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही है, ये सही, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है देख लेना, मैं इसका देख आपको बता देता हूँ कितनी मैं पीएच में पीडीएफ है इसका। अभी थोड़ा लोड ले रहा है, अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जो इसका पीडीएफ दे रखा है वो दे रखा है 31 पेज में दे रखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप 31 पेज में अपना जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ बनाने के बाद जो है इसे अपना आराम से बैठ कर चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कोई आपके गलती आपके क्वेश्चन में ठीक है, पर आपकी तरफ से जो है कोई ठीक है मक्की, उन्होंने जो है गलती दी है, तो आप हेल्प डिस्क भी यहाँ पे ले सकते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे भी, ऑब्जेक्टिव भी हटा सकते हैं अपना, ठीक है उस फॉर्म पे कि आपका मतलब कि क्वेश्चन सही था पर उनकी तरफ से जो है गलत कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव भी उठा सकते हैं, बाकी आप आंसर की चेक कर लेना। जिनका 7, 8, 10 जुलाई को जो है एग्ज़ाम हुआ था, इसका 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 7, 8, 10 जुलाई को। अभी अब देख लेना, 13 जुलाई को जो है इसके आंसर की जारी कर दी गई, इतनी जल्दी तो बड़ी जल्दी आंसर की जारी कर दी गई है इसकी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया स्टेप बाई स्टेप कैसे आपको जो है चेक करनी है आंसर की। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सके, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताते हो सर वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वो ऐसे समझ में नहीं आता, तो आप क्या करा करो टेलीग्राम पे जो है स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, जो भी आपकी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत तो मैं सॉल्व कर देता हूँ ऐसी जो समझ में आती है। मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो उसका जो है स्क्रीनशॉट आप भेज दिया करो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो आप चेक कर पाएंगे अपनी आंसर की, इसकी IARI ICARI टेक्नीशियन T1 की री एग्ज़ाम जो हुआ था आंसर की। तो दोस्तों आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया आंसर की चेक करना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और इस वीडियो को अगर पसंद आई तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों और भाइयों के साथ, फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम का लिंक एंड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।